23 मार्च 1931, एक ऐसी तारीख जब इंडियन हिस्ट्री ने एक ऐसा पन्ना देखा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की इंडिया से वापसी की नींव रखी। देश के 3 फ्रीडम फाइटर्स को उस दिन ब्रिटिश कोर्ट के आदेश पर फांसी पर लटका दिया गया, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। 23 साल के भगत सिंह को दर्जा मिला हिंदुस्तान के शहीद ए आजम का। आज 23 मार्च है। आज के दिन बहुत से लोग प्रोफाइल पिक्चर पर भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, उनके नाम की तस्वीर की टी शर्ट्स पहनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी भगत सिंह के विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके आइडियाज को जानने की कोशिश की है? भगत सिंह जिनके हाथों में हर वक्त कोई ना कोई किताब रहती थी, क्या कभी हमने उनको या उनके लिखे को पढ़ने की कोशिश की है? वैसे तो भगत सिंह ने देश के लिए बहुत से आर्टिकल लिखे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको उनका एक ऐसा आर्टिकल सुनाऊंगा जो उन्होंने 1928 में लिखा था, लेकिन आज 2022 में भी आप उससे रिलेट कर सकेंगे। इस लेख का नाम है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, यानी कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। ये लेख जून 1928 में कीर्ति नाम के अखबार में छपा था। तो चलिए सुनते हैं भगत सिंह का वो आर्टिकल। भारत वर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। ये मारकाट इसलिए नहीं कि फला आदमी दोषी है, बल्कि इसलिए है कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान। और जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है, और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है, बाकी सब के सब अपने नाम लेवा धर्म के रोग को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे हाथों में पकड़ लेते हैं और आपस में सिर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। यहां तक देखा गया है कि इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीड की है कि चुप ही भली। वही या तो अपने सर छिपाए चुपचाप बैठे हैं, या इसी धर्म के बहाव में बह चले हैं। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते हैं, वे हैं अखबार वाले। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से भेदभाव निकालना, सांप्रदायिक भावना हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, भेदभाव का प्रचार करना, सांप्रदायिकता बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजे तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह है भारत की आर्थिक दशा में सुधार। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख के आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या ना करता। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनत कशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना है। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या नस्ल या राष्ट्र के, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, जाति, नस्ल, राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ। सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करो। इन प्रयत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा,
इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई है। वह ये है कि वहाँ के दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के भी प्रयत्न करते रहे। ये इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हित के अच्छी तरह समझते थे। ये खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ाना व घृणा करना सिखाते हैं तंग आकर हाथ धो रहे हैं। उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वह भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू मुसलमान या सिख के रूप में नहीं बल्कि सभी को पहले इंसान समझते हैं फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है। भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही ना बने और दंगे हो ही नहीं। 1914 और 15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं, ना ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए क्योंकि ये सबको मिलकर एक जगह काम करने नहीं देता है। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एक जान रहे जिसमें सिख बढ़ चढ़ कर फांसियों पर चढ़ें और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं, फिर धर्म में हम चाहे अलग अलग ही क्यों ना। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। भगत सिंह।